बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, मैं आपका भाई मल्टीटास्कर विलो से शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है आलू मटर गाजरें और मेथी। आपको आलू मटर गाजरें बनाने के लिए जो जो चीज़ें दरकार हैं उनमें आपको सबसे पहले 1 किलो गाजरें चाहिए। गाजरों को काट के आपने इस तरह धो के बर्तन में रख लें। उसके बाद आपको आधा किलो आलू चाहिए। आलू को भी इस तरह आप छोटे पीसेज में काट लें। 1 पाव मेथी चाहिए, उन्हें भी आप धो के एक बर्तन में रख लें। और साथ आपको मटर, 1 पाव मटर, आधा पाव टमाटर और आधा पाव जो है आपको तकरीबन पाव या आधा पाव आप हसबे ज़रूर अपनी ज़रूरत के मुताबिक मसाले के मुताबिक आप प्याज क्रश कर लें। और साथ हरी मिर्चें 4 से 5 चाहिए, उन्हें दरमियान में काट लें। मसाला जात में आपको तकरीबन 4 आलू बुखारा, धनिया पाउडर चाहिए आपको आधा चम्मच, 1 चम्मच या आधा चम्मच माइनर सी हल्दी चाहिए, और दादर मिर्च आधा चम्मच, दादर मिर्च गरम मसाला आधा चम्मच, और लाल मिर्च आधा चम्मच, और नमक हसबे जायका। आप इन मसाला जात को अपने टेस्ट के मुताबिक हसबे जायका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ाई मैंने पहले चूल्हे पर रख दिया और मैंने अदरक का 1 चम्मच और लहसुन के 2 चम्मच मैंने इसमें मिक्स कर दिया और इन्हें लाइट ब्राउन कर दिया। ऑयल आपने इसमें तकरीबन 1.5 कप चाहिए आपको ऑयल, वो डाल दें। अब आप इसमें मसाला जात ऐड कर दें और जो आलू बहार है वो भी साथ ही आप इसमें ऐड कर दें। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, और इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लें। नहीं अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसमें प्याज ऐड कर दें जो मैंने पहले से धो के रख दिया था। इन्हें आप मिक्स कर लें अच्छी तरह। A few moments के बाद टमाटर ऐड कर दें और इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर दें। फ्रेंड्स, मैंने इसमें प्याज टमाटर डालने के बाद इसमें 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया और अच्छी तरह इसे मिक्स कर रही हैं। ये देखें फ्रेंड्स, इसकी खूबसूरती, अभी से इसकी खूबसूरती देखें, कितना खूबसूरत आपको इसकी मसाला जो बनता हुआ नज़र आ रहा है, प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट के साथ, और इसमें जो आलू बुखारा मैंने मिक्स किया है। अब इसे आप ढक्कन दे के 10 मिनट के लिए बंद कर दें। तकरीबन 10 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन उठा के देखते हैं। ये देखें फ्रेंड, तकरीबन मसाले की बुनाई हो चुकी है, काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। मैंने इसे तकरीबन 10 मिनट में 2 मरतबा इसे ढक्कन उठा के इसकी बुनाई की है और कुछ हद तक काफ़ी बेहतर हो गए, बुनाई मुकम्मल हो चुकी है। अब इसमें गाजरें डालेंगे। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने गाजरें इसमें डाल दी है कढ़ाई में, मसाले में। इसकी तकरीबन 10 मिनट तक आपने बुनाई करनी है अच्छी तरह। तकरीबन 10 मिनट बुनाई करने के बाद अब आप इसमें मटर ऐड कर लें और इन्हें मिक्स कर लें। पांच मिनट तक इसकी बुनाई करें। पांच मिनट बुनाई के बाद आप इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दें। यह अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इन्हें मिक्स कर लें। जितना स्पाइसी आपने बनाना ये आप पे डिपेंड करता है, कि आप जितना स्पाइसी बनाएंगे वो मज़ीद बेहतर होगा। अगर नॉर्मल रखना चाहें तो मिर्चों का, आप हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी नहीं, इस्तेमाल ना करें वो भी बेहतर है, वो जैसे आपको सूट करता हो। अब इसमें मेथी ऐड कर देते हैं। एक पाव मेथी ली थी मैंने, अब इन्हें ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं।
बुनाई के वक्त आप इसमें पानी भी साथ साथ ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पानी लगे कम हुआ है वहाँ पे आप पानी डाल दें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तकरीबन ये तैयार हो चुकी है इस वक्त, मटर भी गल चुके हैं, गाजरें भी गल चुकी हैं और मेथी भी जो है ना इसमें मिक्स हो गई है। अब आप इसमें आलू ऐड कर दें हस्बे ज़रूरत, आप जितने आपको मुनासिब लगे। मैंने तो आधा किलो आलू लिया वो इसमें ऐड कर रहा हूँ, वो आप इसमें डाल दें, ज़्यादा नहीं आपने आलू ऐड करने, अभी नहीं इसमें मिक्स कर लें। आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं, अभी इसे ऊपर से ना ढक देते हैं, आधा पूरा नहीं आपने ढकना, तकरीबन आधा आपने खला इसमें छोड़ना है ढक्कन में, और तकरीबन इसे आपने 5 मिनट तक आपने पकाना है इसे। ये देखें फ्रेंड्स, इतना मैंने इसे ऊपर से कवर किया है, और इसे आलू जब तक गल ना जाए तब तक आपने इसे चूल्हे के ऊपर ही रखना है और इसे पकाना है आपने अच्छी तरह, क्योंकि मटर गाजरें जो है ना और मेथी गल चुकी है तकरीबन। अब आपने ये आलू का मरहला है, इसे आपने पका के इसने बाद में आप इसे बंद कर देना चूल्हे को। फ्रेंड्स आप इसका ढक्कन उठा के देखते हैं, ये देखें फ्रेंड्स तकरीबन तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इसमें नींबू भी काट के डाल सकते हैं, ये देखें मैंने इसमें नींबू 2 नींबू ऐड किए हैं काट के, और चाहें तो इसमें आप अचार भी डाल सकते हैं, अचार से इसका और टेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तकरीबन हमारी जो रेसिपी तैयार हो चुकी है, इसे यहीं पे चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अगर फ्रेंड्स हमारी रेसिपी आपको पसंद है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी कुछ ना कुछ बताया करें। मिलते हैं अब नई रेसिपी के साथ। ओके, टिल देन, ओके, अल्लाह हाफिज़। ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।